देख सकते हो आप, यहाँ पर हमने टमाटर, मिर्च और प्याज ली है और यहाँ पर हमने छील दिया है, तो अब मैं इसको काट रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ चावल। मैं पहली बार बना रही हूँ मम्मी से जिद करके, क्योंकि जब मैंने एक बार पहले भी बनाए थे तो अच्छे बने थे, तो इस बार मैं बना रही हूँ। पिछली बार तो मम्मी ने हेल्प की थी, लेकिन इस बार मैं खुद ही कर रही हूँ। तो देखिए आप भी कैसे बनते हैं मेरे चावल। तो यहाँ पर मैं प्याज को चॉप कर रही हूँ। अच्छे से आ नहीं रहा है तो मैंने मुझे बस मतलब इसका मसाला बनाना है, तो आप इसको थोड़ा छोटा छोटा ही काटोगे, तो इसलिए पहले मैं इसको लंबा लंबा काट रही हूँ और फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ। आप लोग थोड़े बोर ना हो जाओ इसलिए मैंने ये वीडियो थोड़ी फास्ट करी हुई है। देखिए हमने सारी प्याज चॉप कर ली है, जो जो थोड़ी मोटी मोटी हैं उनको हम दोबारा से काट लेंगे। तो देखिए अब हमने सारी प्याज काट ली है, तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम मिर्ची काटेंगे। मैंने यहाँ पर ग्रीन चिली ली है, तो अब हम इसको चॉप कर लेते हैं। हम लोगों को चावल की डिशेस बहुत अच्छी लगती है हमारी फैमिली में, मतलब चावल और खिचड़ी वगैरह चीज़ें सबको पसंद है, तो हम बनाते रहते हैं ऐसी चीज़ें। मैं और किसी दिन आप सबके साथ किसी और रेसिपी का भी शेयर करूँगी। तो देखिए अब मैं यहाँ पे टमाटो काट लेती हूँ। हमने दो ही टमाटो लिए हैं क्योंकि हमें टमाटो दो ही काफ़ी रहते हैं। आज मैंने एक और ब्लॉग डाला है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं, वो नवरात्रि ब्लॉग है, तो आप उसे देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वरना आपको वो मेरे चैनल में भी मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने दो टमाटो, एक तो कट कर लिया है, अब मैं दूसरा काट रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। अब हमारे टमाटोज भी कट चुके हैं, प्याज मिर्ची हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हैं। तो अब हम बड़ा सा भगोना लिया है, तो अब हम इसमें ऑयल डाल लेंगे। वैसे तो हम सरसों का तेल यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें हमने रिफाइंड यूज़ किया है, तो आप जो जो भी ऑयल डालते हो आप वो उसमें डाल सकते हो। तो ये गर्म हो गया है, पहले ये थोड़ा गर्म हो गया था, तो उसके बाद हमने इसमें ऑयल डाला, तो अब ऑयल गर्म हो गया है, तो अब हम ऑयल में जीरा डाल रहे हैं। आप देख सकते हो जब थोड़ी देर में जीरा थोड़ा भुनने लग जाएगा, तो हम इसमें मिर्च, प्याज मिर्च और टमाटर डाल देंगे। तो देखिए अब हम इसमें डाल रहे हैं प्याज और अब हम इसको मिक्स करके चलाएंगे। पहले हम डाल देते हैं मिर्च प्याज, तो अभी हम पहले इसको चलाएंगे प्याज को और मिर्च को धनिया के साथ और जीरे के साथ, तो अभी हम इसको मिक्स करके चलाएंगे। तो अब हम इसमें डाल लेते हैं टमाटर, ये थोड़ा सा ब्राउन होने लगेगा तो हम इसमें चावल भी डाल देंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी हम पहले इसमें डालेंगे टमाटो। तो देखिए अब मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ टमाटो, ये मैं डाल चुकी हूँ। देखिए कलर कितना ब्यूटीफुल आ रहा है टमेटोज के साथ। तो अब हम इसको थोड़ा, हमें इसकी थोड़ा चटनी टाइप बनानी है, तो हमें इसे पकने देना है। अब मैं इसमें मिर्ची डाल देती हूँ। वैसे बना मैं रही थी, लेकिन बता मम्मी रही थी क्या कैसे करना है, क्योंकि मुझे अभी इतना नहीं पता है। तो देखिए अभी मैं इसमें नमक डाल दूँगी, नमक टेस्ट के हिसाब से, आपको अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। तो अब हमने इसमें हल्दी भी डाल दी है, तो अब हम इसको मिक्स, पहले हम इसमें डालेंगे
धनिया पाउडर देख सकते हो आप, और हम डालेंगे इसमें गरम मसाला थोड़ा सा, एक चुटकी हमने गरम मसाला डाला है, पिसा हुआ गरम मसाला है ये। तो अब हम इसको चलाएंगे, देख सकते हो आप कितना ब्यूटीफुल कलर आ रहा है चटनी का। हमें इसको थोड़ी देर तक चलाना है, तो चलाने के बाद देख सकते हो आप हमने यहाँ पे चावल धो रखे हैं। तो अब हम चावल को डाल लेते हैं, मैंने गैस पर से उतार कर फिर मैं इसमें चावल डाल रही हूँ, देख सकते हो आप। अब हम इसको मिक्स कर देते हैं, मैंने ये गैस पर रख दिया है और अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं। मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी और डाल रही हूँ, मुझे कम लग रही थी। अब आपको जितना पानी चाहिए आप पानी डाल दीजिए चावल में, देखिए। अब मैं इसमें सूखा धनिया डाल रही हूँ थोड़ा सा, अब देखिए मिक्स करने के बाद इसको ढक देते हैं प्लेट से। अब हम इसको 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। देखिए अब हमारे चावल रेडी हो चुके हैं, अब हम इसको प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो अब मैं सैलेड के लिए कुकुम्बर काट लेती हूँ और प्याज काट लेती हूँ, पहले मैं खीरा काट रही हूँ। तरह से हमें सारे काटने हैं, तो देखिए ये देखिए हमारे खीरे कट चुके हैं। अब हम प्याज काट लेते हैं, सैलेड के लिए चाहिए तो हम थोड़ी लंबी लंबी काटेंगे, वो तो हमें मसाले के लिए चाहिए तो इसलिए हमने थोड़ी पतली पतली काटी थी। प्याज भी काट ली है, तो अब हम इसको मिक्स करेंगे नींबू के साथ। अभी हम नींबू काट लेते हैं पहले, अब हम इसमें नींबू डाल देंगे। नींबू हमारे पाचन तंत्र के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो अब हमें सैलेड में नमक भी डालना है, तो हमने देखे डाल चुकी हूँ मैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, हमने मिक्स कर लिया है। तो अब मैं चावल को प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। देखिए कलर बहुत अच्छा आ रहा है चावलों का। हमने पुदीने की चटनी और मिर्ची छौंक रखी थी पहले से ही, तो वो भी हम इसके साथ साथ सर्व करेंगे। देखिए हमारा आज का डिनर है वो देख सकते हो आप, पुदीने की चटनी और मिर्ची भी रखी हुई है, सैलेड भी है और चावल भी है। आगे भी मैं आप सबके लिए इसी तरीके की रेसिपीज या ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिव्यू लाती रहूँगी,
तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना कि आपको मेरे चैनल कैसे लगे, और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना जिससे कि मेरी वीडियोस की नई नई अपडेट आप तक पहुँच सके। तो